हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंगलोर जैका। आप लोग कैसे हैं? रमज़ान कैसा चल रहा है? आज मैं फलाफल बनाने जा रही हूँ, जो एक्चुअली वो गल्फ कंट्रीज़ पे जो बनता है ज़्यादातर, बहुत मज़े का आता है और उसे आप लोग नॉनवेज के तरह भी बोल सकते हैं, उतना टेस्टी बनता है कबाब के टाइप। क्या क्या चीज़ें लगती देख लो। इसे मैं 1/2 किलो काबुली चना, उसे ओवर नाइट पूरी रात भिगो लियो, उसे अच्छा फूलता है। 1 कप प्याज, कटी हुई प्याज, ये है ना जीरा, 1 टीस्पून नमक, हसबे जायका, लाल मिर्ची का आटा, चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये आधा टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ये आपको 10-12 लहसुन की कलियाँ, 2 कप कोथिमीर कट कर को लियो। ये कैसा बनाना देखेंगे। काबुली चना मिक्सर जार में डाल कर पीस सकते हैं, तो चॉपर है तो चॉपर में भी डाल कर पीस सकते हैं। इसे पेस्ट नहीं बनाना, ज़रा दरदरा होना। ये पीस लूँ मैं मिक्सर में। अगर तुम ना पीसने वाकत एक्चुअली जब काबुली चने का मॉइस्चर होता है, प्याज का मॉइस्चर होता है, उसमें पीस जाता है। अगर नहीं हुआ तो पीसने थोड़ा सा बहुत थोड़ा पानी डाल सकते हैं। और देखो यहाँ पीस लियो भाई, ऐसा जैसा शामियाँ को पीसती है ऐसा पीस लियो। इसे है ना अब एक बॉल में काढ़ को इसे राउंड राउंड टिक्किया बना लेंगे। ये इतना टेस्टी आता है, पहचान नहीं सकते कि ये सच्ची शामी कबाब है कि फलाफल है। इसे पहचान नहीं सकते कि ये वेज है नॉन वेज है। देख सकते हैं आप, इसे राउंड करको एक एक करको बना लेंगे। बस इसके बाद फ्राई कर लेंगे। ऐसा पूरे बना ले को फ्राई कर लेंगे। एक पैन में या कढ़ाई में ऑयल रख लियो, हमें फ्राई करना शुरू करेंगे। एक एक करको डालेंगे। देख सकते हैं इसे कलर आया, पलटा लेंगे ऐसा। बहुत मज़े के होते हैं, ज़रूर ट्राई करना और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कैसे बने। देख सकते हैं आप, ये पूरे फ्राई हो गए, एक एक करके खा लेंगे। इसी तरह से पूरे तल लेंगे और प्लेट कर लेंगे। फलाफल तैयार है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, इतना कि रात भर भिगोना है। काबुली चना मिडिल ईस्ट डिश है, आप भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी आता है। ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।